जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सुथरा यूट्यूब चैनल पर। मुकेश अंबानी जी के बर्थ चार्ट पर हमारी चर्चा चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने जाना किस योग ने उनको बिजनेस टाइकून बनाया, पूर्व जन्म में किस कर्म की वजह से उनको मां लक्ष्मी की इतनी अपार कृपा प्राप्त हुई। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मुकेश अंबानी जी के ही बर्थ चार्ट से कुछ अन्य विशेष योगों पर चर्चा करेंगे, जैसे प्रवज्ञा योग, विपरीत राजयोग, और मैं किस वजह से कहता हूं कि ये वृश्चिक लगन की ही कुंडली है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रवज्ञा योग की। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चार ग्रह किसी राशि या भाव में एक साथ बैठे हों तो ये प्रवज्ञा योग कहलाता है और ऐसा व्यक्ति संन्यास ले लेता है। मुकेश अंबानी जी की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मेष राशि में शुक्र बुध सूर्य और केतु चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, मगर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने संन्यास ले लिया हो, जबकि ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि प्रवज्ञा योग वाला व्यक्ति संन्यास ले लेता है। तो ज्योतिष ग्रंथ गलत कह रहे हैं या ये चार्ट गलत कह रहा है, ये अपने आप में प्रश्न है। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि ज्योतिष की किताबों से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकली जो चीज सामने है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं प्रवज्ञा योग का आपको सीधा सा बताता हूं। प्रवज्ञा योग केवल और केवल मोक्ष त्रिकोण में अपने इस तरह के प्रभाव देता है, और उसमें भी शर्त है कि व्यक्ति का शनि अत्यधिक पीड़ित होना चाहिए। मोक्ष त्रिकोण 4, 8 और 12 भाव में या इन राशियों में प्रवज्ञा योग अपने प्रभाव अत्यधिक देता है, जिसमें कि वो किसी व्यक्ति की माइंड में इस तरह की थॉट्स डालता है कि वो सोसाइटी से कट जाए या वो संन्यास ले ले। आप मुकेश अंबानी जी की कुंडली में देखेंगे तो चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, मगर बैठे हैं 6 भाव में और मेष राशि में। इस वजह से इस व्यक्ति के मन में कभी इस तरह का विचार ही नहीं आएगा कि ये व्यक्ति कोई संन्यास ले ले। संन्यास से मतलब केवल ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर और निकल जाए हिमालय की यात्रा पर, ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोग इस तरह के सन्यासी भी होते हैं कि समाज सेवा करते हैं। प्रवज्ञा योग आपको इस तरह की क्वालिटी दे सकता है कि आप समाज सेवा करें। आप देखेंगे जिन व्यक्तियों की कुंडली में इस तरह के योग मिलते हैं, चाहे वो किसी भी भाव या किसी भी राशि में मिले, वो लोग सैक्रिफाइसेस करने वाले होते हैं, वो दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करने की थॉट्स रखते हैं। तो जो एक संन्यास योग की जो एक अवधारणा है कि व्यक्ति सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाता है या फिर भगवा वस्त्र धारण कर लेता है या श्वेत वस्त्र धारण कर लेता है, वो जो अवधारणा निकल कर आती है या उसके जो फलित देखने के लिए आते हैं, वो आते हैं केवल और केवल अधिकांश से मोक्ष त्रिकोण में। जैसे कि आप ओशो की कुंडली में देखिएगा, उनके अष्टम भाव में प्रवज्ञा योग बना है और वे एक संन्यासी थे, उन्होंने धर्म से रिलेटेड काम किए। अब अगली बात आती है विपरीत राजयोग की। आप देखेंगे इस कुंडली में 6 भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठा है, द्वादश भाव का स्वामी बैठा है और 6 भाव का स्वामी भी परिवर्तन से आता है। आप कहेंगे कि इस तरह की कंडीशन तो बहुत सारे चार्ट से मिल जाती है जिनमें कि 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में कहीं गति कर रहे हूं, मगर इसी चार्ट में ऐसी क्या विशेषता थी जिसने इनको इतनी हाइट दी? विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग की जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट मिलता है, डेफिनेटली उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। एक संघर्ष के बाद उस व्यक्ति के जीवन में काफी उन्नति आती है। विपरीत राजयोग का 6, 8, 12 भाव का मतलब ही यही है कि 6, 8, 12 भाव आपको एक स्ट्रगल के बाद आपको बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करते हैं। और एक हकीकत समाज की यह है कि जिस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की वो व्यक्ति कभी भी अपने बल पर नाम नहीं कमा सकता। मुकेश अंबानी जी ने धीरू भाई अंबानी जी का बिजनेस आगे बढ़ाया और उसके बाद धीरू भाई अंबानी जी से भी, अपने पिता से भी ज्यादा नाम कमाया। तो विपरीत राजयोग का ये सटीक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की। वरना कुछ लोग होते हैं कि अपने माता पिता के नाम से आगे बढ़े और उनका जो नाम है उसी पर चलते जा रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं कि माता पिता का अगर उनको नाम मिला भी है तो उसको इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि दुनिया माता पिता को भी उनके नाम से जानती है। तो आप देखेंगे 6 भाव में योग बन रहा था, जिस वजह से उन्होंने खुद भी स्ट्रगल किया, खुद बिजनेस स्ट्रेटजीज को फॉलो किया और आज वो इस मुकाम पर हैं कि मेरे चैनल पर उनका बढ़ चाट आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे अन्य कुछ विशेष योग की बात करते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में 6 और 10वें भाव का संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आप इस कुंडली में देखिएगा दशमेश खुद 6 भाव में उचका होकर बैठा है, तो 6 और 10 का संबंध बन गया। और उसके बाद विपरीत राजयोग में भी मैं आपसे हमेशा कहता हूं
जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में विपरीत राजयोग बने वो दो कंडीशन में बने तभी जब बहुत ज्यादा अच्छे फल देता है। पहली कंडीशन, उसको कोई नीच का ग्रह बल दे या फिर कोई उच्च का ग्रह बल दे। कभी भी किसी व्यक्ति की कुंडली में आप विपरीत राजयोग देखें तो उसकी कुंडली में यह जरूर देखें कि विपरीत राजयोग को बल किस तरह से मिल रहा है, या तो कोई नीच ग्रह बल दे या कोई उच्च ग्रह बल दे। यहां पर सूर्य ने दशमेश होकर उच्च का बल दिया है विपरीत राजयोग को, इस वजह से उनको विपरीत राजयोग का इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। अदरवाइज 6, 8, 12 की कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मिल जाए तो जरूरी नहीं कि वो इतनी ज्यादा हाइट पाए, क्योंकि ये कुछ शर्तें होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं। अब आप देखिएगा, इन्हीं कुछ विशेष कारणों की वजह से मैंने इसको वृश्चिक लग्न का चार्ट माना है। अगर आप तुला लग्न लेते हैं तो पहली बात तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, सप्तम भाव में इस तरह की युति बन जाएगी। और सप्तम भाव में अगर आप किसी व्यक्ति के भी इस तरह की युति देखेंगे तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की मैरिड लाइफ स्पॉइल होगी ही होगी, और मुकेश अंबानी जी की मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही है। विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, उनको इतनी ज्यादा नेम फेम मिलने के चांसेस नहीं है। छठे भाव में सूर्य बैठकर अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है और कहा गया है कि क्रूर ग्रह 6, 8, 12 जैसे भावों में, 3, 6, 8, 12 भावों में बैठकर अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावर में रिजल्ट देते हैं। और साथ ही आप देखेंगे यहां सूर्य उच्च का होकर बैठा है, तो ये एक मेन रीजन है कि मैंने इसको वृश्चिक लग्न का चार्ट लिया है। बहुत सारे विद्वान तुला लग्न का मानकर इसको एनालिसिस करते हैं, सबके अपने अपने आधार हैं, मगर मैंने इसको बहुत ही लॉजिकली आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको प्रीवियस वीडियो भी पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।